दोस्तों आज मैं जिस ऑर्गेनिक फार्म पर बैठा हूँ, बट ये पहले किसान है एक तरीके से कह लीजिए। ज़्यादातर किसान प्रतापगढ़ में रासायनिक या पुरानी पद्धति से ही खेती करते हैं, और इस खेती में जो है सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, जो यहाँ पर देखने पे मुझे समझ में आया कि दलहन, तिलहन, आलू और आपका जो है धान और गेहूँ, इस तरीके की फसलें भी कर रहे हैं, और 3-4 सालों में उत्पादन में भी कोई कमी नहीं है। एक रासायनिक किसान जो उत्पादन ले रहा है, उस तरीके का उत्पादन लेना आना शुरू हो जाता है जब सारी चीज़ें समझ के आप शुरू कर देंगे। मैं आया हुआ था अपने लिए कुछ काला गेहूं, क्योंकि मेरा भी घर यहीं पास में है, तो लेने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपको बताने की, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी फसल नहीं खड़ी है जो दिखा सकें, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा है, अभी जस्ट धान कटा है और गेहूँ की बुआई हो रही है। और आलू और मटर की सह फसल खेती कैसे करें, और धनिया की भी खेती कैसे करें साथ में प्राकृतिक तरीके से, ये वीडियो में आपको देखने को बहुत ही अच्छे से मिलेगा। उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से बताई हुई है। अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसका कैसे विचार आ गया, ये दोनों साथ में करने का? सब्जी वाली मटर है, ठीक है, तो सब्जी वाली मटर जल्दी तैयार हो जाती है, धनिया लेट तैयार होती है, तो इसको हमने बीच बीच में बुआई कर दिया था। हम 2-3 साल से इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है इसका। तो हम कूड़ से बुआई करते हैं, सब्जी वाली मटर रहती है, फिर एक कूड़ धनिया, फिर एक कूड़ मटर, फिर एक कूड़ धनिया, इस तरह से बुआई करते हैं। तो मटर जो है जल्दी तैयार हो जाती है, वो निकल जाती है, और धनिया बहुत बढ़िया होती है, इसमें हमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत बेहतरीन धनिया होती है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में जो है गोबर की खाद और घन जीवामृत या जीवामृत किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? बस जीवामृत और घन जीवामृत ज्यादातर। अभी धान में इस बार हमने फसल घुट्टी जो इनकी है ताराचंद बिल जी की तकनीक, इस बार हमने धान में फसल घुट्टी का प्रयोग किया और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। यानी उसमें चूना है, ये चूना है जो शुद्ध कैल्शियम है, और सरसों की खली है, सरसों की खली से आपको मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, कापर, आयरन जो है जितने सारे तत्व चाहिए वो सारे तत्व आ जाते हैं ये सरसों की खली में। और उसके बाद जो है नमक है, नमक क्षार होता है, ये पीएच लेवल को बढ़ा देता है मिट्टी की, तो मिट्टी में सुधार बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से हमने इस बार धान में दिया था, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया और लगभग 40-45 क्विंटल पैदावार आई है। 4 ट्राली में भर के आया है ट्रैक्टर की, पूरी भरी नहीं थी, थोड़ा काली काली थी। अब इस साल से हमने रासायनिक वालों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, पिछले साल रासायनिक वालों के बराबर था, इस बार हमारी पैदावार और बढ़ी, और अगले साल हम सोच रहे हैं जो आज 40-45 क्विंटल जितने खेत में हमने धान काटा है वो नेक्स्ट ईयर हम 60 क्विंटल तक पहुँचाने का लक्ष्य है। आलू के लिए जैसे मान लीजिए ये जो अभी आपने घन जीवामृत बना के दिया है गोबर के साथ थोड़ा गाय के, तो ये कितनी बार देना पड़ता है आलू की फसल के लिए? बस शुरुआत में हम खेत तैयार करते समय जीवामृत 200 लीटर ऐसे ही बाल्टी में लेकर के डिब्बे से पूरे खेत में छिड़का दिए थे, डिब्बे से लेकर के, और उसके बाद 200 लीटर हमने फसल घुट्टी बनाई थी, माने 200 लीटर पानी में 20 किलो सरसों की खली, 2 किलो चूना और 5 किलो नमक, इसका घोल 48 घंटे तक रखेंगे तो फर्मेंटेशन हो जाता है, उसको भी बाल्टी में लेकर के पूरे खेत में छिड़का दिया था। उसके बाद जुताई करके उसी पे आलू की बुआई कर दी थी। आलू की बुआई करते समय हमने ये बर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा मिक्स करके रखा था, आलू के बीज के साथ बर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा डालते गए और मिट्टी चढ़ाते गए उसमें, ठीक। अब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई के साथ हम जीवामृत और घन जीवामृत दोनों मिला के गोबर को अच्छी तरह सान के पतला करके बारीक करके पानी के साथ डाल दे रहे हैं। अब इसमें जो भी सारे सूक्ष्म जीव हैं वो सारा खेत में फैल जाएंगे, अपना काम तुरंत शुरू कर देंगे, ठीक। हमें अब इतना करना है, अब इसकी हम जब मिट्टी में नमी कम हो जाएगी, जब इसकी गुड़ाई करेंगे हम, तो गुड़ाई के साथ में घन जीवामृत डालेंगे, और घन जीवामृत डाल के हम गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देंगे मेड़ियों पे, बस इसकी कमाई खत्म, और हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये है, देखना है जब ठंडक ज़्यादा पड़ेगी तो समय समय पर जीवामृत का स्प्रे करते रहेंगे ताकि ओला पाला ये असर न करे, बस इतना ही करना है, बाकी आलू की फसल में कुछ नहीं करना जी। इसमें मटर भी आपने साथ में सह फसल लिए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मटर की बुआई करने का हमारा
उद्देश्य दो है। हाँ। एक तो हमारे यहाँ नील गाय की बड़ी समस्या है, ठीक है। अब नील गाय जो है ना, अब आलू के पौधे सब निकलना शुरू हो गए हैं, तो आलू की बढ़वार अब मटर से तेज होगी, मटर नीचे दब जाएगी, आलू के पौधे ऊपर आ जाएंगे, तो मटर उसी में छिपी रहेगी, नील गाय से हमारी बचत हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, आलू के पौधों में जड़ें बहुत कम होती हैं, जिससे आलू की पैदावार प्रभावित नहीं होगी। नंबर तीन बात जो है कि मटर की जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, तो उन बैक्टीरिया से जो नाइट्रोजन इकट्ठा करे उससे आलू भी अपना पोषण ले लेगी। तो इससे तीन फायदे हैं, एक तो मटर की फसल की बहुत बंपर पैदावार हमें मिलती है, और दूसरे आलू की पैदावार प्रभावित नहीं होती है, तीसरे आलू को मटर के जड़ों से पोषण मिल जाता है। ये तीन फायदे हैं इससे। हमारे पास लगभग 6.5-7 एकड़ जमीन है, 1-1 इंच जमीन जो है सारी हमने प्राकृतिक कर दिया है, एक भी ग्राम कोई रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, एक पैसे भी नहीं खर्च कर रहे हैं, सारा अपना गाय का गोबर और गौमूत्र से जो भी उत्पाद है हमारे पास उसी का प्रयोग फसलों में कर रहे हैं, जीवामृत घन, जीवामृत ब्रह्मास्त्र वगैरह गौमूत्र से बनाकर ये सारी चीज़ें ही हम वापर रहे हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं डालते। और एक जो खास बात मैं बताना चाहता हूँ, हम जैविक नाइट्रोजन तैयार करते हैं, ठीक है, बेस डीकम्पोजर में कांग्रेस घास जो ही होती है ना, ये देखिए आप किसान को मैं आपके दर्शकों को दिखा दूँ, ये है कांग्रेस घास, इसको बोलते हैं गाजर घास भी बोलते हैं, ठीक है, ये फूल आने से पहले या फूल आ गए हों पके ना हों उसके पहले इसको उखाड़ के जड़ से काट के निकाल दीजिए, उसके बाद बारीक बारीक कुट्टी कर दीजिए, कुट्टी करने के बाद इसको बेस डीकम्पोजर में डाल दीजिए, यानी 200 लीटर बेस डीकम्पोजर है तो 20 किलो इसको डाल दीजिए, तो डाल के इसको आप घुमाते रहेंगे सुबह शाम ना, तो 15 दिन में आपका जैविक नाइट्रोजन तैयार हो जाएगा। यूरिया की जगह जो है, हाँ, यूरिया की जगह बेस्ट एकदम बढ़िया जैविक नाइट्रोजन आपका तैयार हो गया, बढ़िया यूरिया। अब हमने इस बार जो है ना इसमें जीवामृत भी डाला, घन जीवामृत में जीवामृत भी डाला और वो अपना जैविक नाइट्रोजन भी इसमें डाल दिया, बड़ी तेजी से जो है इसका डीकम्पोज होना शुरू हुआ है, यानी 10 दिन में बिल्कुल एकदम से भुरभुरा बना दिया 10 ही दिन में भुरभुरा बना दिया। और पहले शुरुआत में उस तरीके से रहा होगा, हाँ, पहले शुरुआत में उस तरीके से था, बाद में इसको हमने देखिए ये पूरा लगभग तैयार हो, वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस समझ लीजिए इसको, डीकम्पोज होना, हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट से बहुत कई गुना बढ़िया रहता है ये पौधों को तुरंत इंस्टेंट भोजन, तैयार भोजन देता है जो कि तुरंत से काम करना शुरू कर देते हैं। वो शुरुआती दिन के बारे में थोड़ा बताइए कि शुरुआत हुई कैसी, शुरुआती दिन में तो आप मत पूछिए, शुरुआती दिन में तो ऐसा था ना, गांव वाले जो थोड़ा पद में बड़े चाचा काका लगते थे वो तो सीधा गाली देते थे कि साला पागल हो गया है, ठीक है। अब घर परिवार वाले भी शुरुआत में तो सपोर्ट किए कि अच्छी चीज़ है, ये जहर मुक्त उत्पादन हो रहा है, लेकिन बाद में जब हमारा उत्पाद बिक नहीं रहा था तो उस टाइम पे घर वालों ने भी हमारे ऊपर जो है बोलना शुरू कर दिया कि क्या कर रहे, छोड़िए इसको, रासायनिक खेती शुरू कर दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं करूँगा तो प्राकृतिक करूँगा, नहीं तो खेती नहीं करूँगा। घर का भी सहयोग नहीं मिला और बाहर वाले तो पागल समझते ही थे, लेकिन अब जो है लोगों की आंखें खुल रही है, लोग देख रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है और हमारा माल भी सेल हो रहा है, रेट अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत प्रसाद दे रहे हैं, तो गांव वाले भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इसमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, हमारा परिश्रम देख के लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आगे आने की। 4.5-5 बीघा हमने धान लगाया था, 22,000 रुपये मजदूरी हमने निराई दे दिया था, जो काम हमारा 1,000-1,500 में रासायनिक हर्बिसाइड से हो सकता था उसके लिए हमें 22,000 रुपये खर्च करना पड़ा, एक बात। दूसरी बात, जीवामृत, क्योंकि खेत दूर है घर से, तो जीवामृत हम घर पे बनाते हैं, उसको हम 50-50 लीटर के कैन में, 15-15 लीटर के कुछ डिब्बे हैं उसमें भर के 200 लीटर और फिर खींच के खेत तक ले जाते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं। अब धान में हम कम से कम 5 बीघे धान में लगभग 6,000 लीटर जीवामृत बना के डाल चुके हैं। दरअसल एक जगह पे सारा खेत नहीं है, 5-6 जगह पे है सारा खेत, ये परेशानी का मुख्य कारण है। अच्छा, गौमूत्र कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिए एकदम इस तरह से, ये हमारी गौशाला,
यहाँ पे पीछे नाली बनी हुई है, यहाँ गाय रखी, पीछे नाली बनी है, ये चैम्बर है, इसमें देखिए गौमूत्र इकट्ठा हुआ होगा। अभी तीन चार दिन हो गया इसको निकाल के, गौमूत्र इसमें इकट्ठा हो गया होगा, ये देखिए भर गया है। अब इसको निकाल लिया डब्बे से और अपना कनस्टर में सेव कर लिया। और क्या अभी हमारे पास, समझ लीजिए 200 लीटर गौमूत्र एक्स्ट्रा है, ये स्टॉक में है 200 लीटर गौमूत्र, ये 50-50 लीटर ये कितना पुराना हो गया होगा। ये तो ये समझिए इसको वापरने की नौबत ही नहीं आती है। अब जो आता है उसको हम ड्रम में डाले और उससे जीवामृत तैयार कर लिए, उतना स्टॉक में रखे हुए, स्टॉक में रखा है, ये 4-5 साल पुराना गौमूत्र हो गया होगा। गौमूत्र कभी खराब नहीं होता। कितनी गौ माता है अभी आपके पास यहाँ? अभी तो 4 है सर, 4 गौ माता है, 2 उनकी बछड़िया है और ये शुद्ध साहिवाल है, ये इनका नाम है नंदिनी। अच्छा, ये नंदिनी वो नारायणी। ये है गौ माता 4-5, और इन्हीं से जो है कितने एकड़ की खेती हो रही है समझ लीजिए? इन्हीं से हमारी लगभग 7 एकड़ खेती पर्याप्त हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। बल्कि एक आध गौ माता कम भी हो तब भी हो जाएगी, जिस हिसाब से आप 2 गाय भी रहेगी तो भी हम बराबर खेती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये पूछना था एक सवाल और आखिरी, प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई कैसे? हाँ, ये कहां से इंस्पिरेशन? ये बड़ा बढ़िया सवाल है आपका। प्राकृतिक खेती की शुरुआत हमने एक एक कर दी थी, जैविक खेती। दरअसल मैं मुंबई में रहता था, 2012 में हमने मुंबई छोड़ा, तो मुंबई में एक जगह है उत्तर में केशव सृष्टि, RSS की बहुत बड़ी संस्था है, 168 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो वहाँ पे वृद्धाश्रम है, लगभग 1000 किस्म की वन औषधियों के पौधे हैं वहाँ पे, वहाँ पे काजू के आम के बाग हैं, और विश्व हिंदू परिषद की गौशाला है, इंटरनेशनल स्तर का आवासीय विद्यालय है, बहुत बड़ा संकुल है। तो वहाँ मैं अक्सर संघ से जुड़ा होने के नाते अक्सर वहाँ पे बुलाते भी थे, ऐसे भी 10-15 दिन में एक बार मैं जाता था, तो वहाँ की जो सब्जियाँ वगैरह उगाते थे वो सारा देसी गाय के गोबर थे, कम से कम 250 गौवंश थे वहाँ पे। तो वहाँ की सब्जियाँ जब मैं लाता था तो मुझे बहुत टेस्टी लगती थी, एक बात। दूसरी बात, हमने वहाँ पे देखा था कैसे वो लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो 2012 मुंबई छोड़ने के बाद इच्छा तो थी कि इसी तरह की प्राकृतिक खेती की जाए, लेकिन न तो संयोग बन रहा था न उस तरह का हो पा रहा था। 2018 में एकाएक मैं जैविक खेती के क्षेत्र में उतरा। हमारे यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर ढिंडू एक गांव है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल साहब हैं, ठाकुर साहब, डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनका एक नाती 27-28 साल का था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो घर आया हुआ था, गेहूँ में हर्बिसाइड डलवाने गया था। तो जो हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक जो दवा होती है उसमें 0.5 लीटर लिक्विड और 13 ग्राम का पाउच रहता है, पाउच में दानेदार दवा रहती है। उस बच्चे ने क्या किया, पाउच को दांत से तोड़ लिया और शायद गैस उसके मुंह में चली गई, शाम तक उसकी तबीयत खराब हो गई और 1 हफ्ते भी नहीं सरवाइव कर पाया। यहाँ से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय, वहाँ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली तक ले गए उसको, लेकिन बचा नहीं पाए, उसके अंदर के जितने सारे आर्गन थे सारे। तो मैं उनके यहाँ गया था, शोक संवेदना जिसको हमारे यहाँ चाहकारी बोलते हैं, चाहकारी करने गया था मैं और चाचाजी साथ में, तो बताने लगे ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई। उसी समय एकदम से जैसे दिमाग में आ गया कि बस बहुत हो गया, अब हम जो है अपने खेत में रासायनिक दवा या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, हम अब जैविक तरीके से खेती करेंगे। जीवामृत वगैरह, घन जीवामृत शुरुआत में मैं कुछ नहीं बनाना जानता था, सिर्फ हमने यही देसी खाद जो हमारे पास लगभग 10-40 साल में होती थी वही खेतों में डालता था, और सरसों की कली, नीम की कली, यही सब डाल के खेती करना करता था। तो शुरुआत में तो पैदावार कम थी लेकिन अब पैदावार संतोषजनक है। एक और चीज पूछेंगे, जो आप उत्पाद पैदा कर रहे हैं जी, ठीक है, एक तो थोड़ा खर्चा भी इसमें ज्यादा आ रहा है और मेहनत भी ज्यादा लग रही है, तो आपको बेचने का जो आपने तरीका डेवलप किया है या किस तरीके से अपने उत्पाद आप बेच रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारे पास ये समझ लीजिए कि 7-8 प्रदेशों के किसान जुड़े हुए हैं और व्यापारी भी जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, माने MP, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, UP, उत्तर भारत के सारे प्रदेश जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा किसानों का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में मैं डालता हूँ और वहीं से डिमांड आती है और उन्हीं को भेज देता हूँ। ठीक है, कुछ कस्टमर्स
जो उस ग्रुप से टच में है वो सीधे डायरेक्ट डिमांड करते हैं, तो उनको उस तरह से जो कम मात्रा में डिमांड करते हैं उनको पार्सल से भेज देता हूँ, जो जिनकी मात्रा ज़्यादा रहती है उनके लिए ट्रांसपोर्ट और बस वगैरह की सुविधा रहती है तो उसे भिजवा देता हूँ। इस तरह से इसे ही चल रहा है। तो जो किसान इससे आना चाहते हैं इस खेती में, उनके लिए कुछ बता दीजिए। बिल्कुल भैया, ये हमारी मजबूरी है कि हमें, क्योंकि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत कम ही किसान है। इवन मैं भी, मेरा भी डिस्ट्रिक्ट यही है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आपसे बात हुई। तो प्रतापगढ़ में सर्टिफाइड किसान जो पूरी तरह प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अभी तक मैं अकेला एक पट्टी में है, उत्कृष्ट पांडे जी पट्टी ब्लॉक में, वो चंदन की खेती करते हैं प्राकृतिक रूप से, और तीसरा कोई किसान है नहीं। क्योंकि मैंने जो हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया लखनऊ में स्टेट यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी आलमबाग लखनऊ से, तो वहाँ हमने कहा कि प्रतापगढ़ के कितने किसान हैं उनका लिस्ट आप प्रोवाइड करा दीजिए ताकि उनसे संपर्क हो जाए। तो उन्होंने कहा श्रीमान जी आपके अलावा एक पांडे के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, तो लिस्ट क्या उपलब्ध कराएं। तो मेरी अपील है किसानों से कि आपको कम से कम व्यावसायिक स्तर पर उतरें तो और बढ़िया, नहीं व्यावसायिक स्तर पर उतर रहे तो कम से कम अपने खाने भर का जैविक या प्राकृतिक जो भी आप कर सकें, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी रासायनिक खाद के आप पैदा करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। अगर हम इसी तरह से 10 साल तक रासायनिक खेती करते रहे तो कम से कम 85% लोग जो है कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं पत्तियों पे पड़ रही है, पत्तियां उसको अवशोषित कर रही हैं, जमीन पे जा रही है जड़ें अवशोषित कर रही हैं, जब दाना पक रहा है तो दाने में जाके संचित हो रहा है, हम खा रहे हैं तो हमारे पेट में आ रहा है, हमारे पेट में आ रहा है तो जो काम वो पौधों पे करता है यानी उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को नष्ट करता है वही काम वो मानव शरीर में भी करता है। तो क्या होता है, किसी को सिर में दर्द होगा, किसी पेट में दर्द होगा, तो पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि हम जो खा रहे हैं वो विषैला है इसके लिए वजह से हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, आपके शरीर को जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है उतने सारे पोषक तत्व आपकी मिट्टी में होने चाहिए, तभी जो उससे पैदावार होगी उसमें सारे, उसमें जो अनाज पैदा होगा उसमें सारे पोषक तत्व रहेंगे। अब हमने लगभग 50 सालों से लगातार दोहन करते करते मिट्टी में लगभग सारे पोषक तत्वों को समाप्त कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जैविक खेती में उतरना ही पड़ेगा। निवेदन यही है कि कम से कम व्यवसायिक स्तर पर नहीं कर रहे हैं, अगर व्यवसायिक स्तर पर कर रहे हैं तो आपकी आय इसमें दुगुनी कौन कहे चौगुनी हो जाएगी। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने खाने भर का जरूर जैविक करें प्राकृतिक। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको इस क्षेत्र में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। हमारी गौरी है, ये गौरी है हमारी, और ये हमारी कावेरी है, ये कावेरी है।